भीष्म गीता में अर्जुन को भगवान भीष्म पितामह बाणों के सैया पर पड़े रहकर कहते हैं, अरे अर्जुन चार तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो भोजन भ्रष्टा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन अगर पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वह मदिरा के तुल्य होता है। यदि पति और पत्नी एक ही थाली के अंदर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो वह मदिरा के तुल्य है। भीष्म गीता कहती है, अर्जुन पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो चारों धाम के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। और यदि पति और पत्नी का नियम है कि हम दोनों तो साथ ही भोजन करते हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, साथ भोजन करो, मना नहीं है, दो थालियां अलग अलग लगाओ, पर पति के साथ बैठकर एक थाली में खाना रोज प्रतिदिन मदिरा को निगलने के बराबर है। मदिरा को कई लोग कहते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही थाली में अगर पति और पत्नी भोजन करते हैं तो उस घर की दशा देखिएगा, उस घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं निकल सकते, उस घर के बच्चे कभी भी सत्मार्गी नहीं निकल सकते, मार्ग से विचलित ही निकलेंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में पैदा हुए। तो सुन अर्जुन, सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ में बैठकर भोजन करती है तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं होती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, बेटी की शादी हो जाए जब पहले वो पिता के साथ भोजन ना करे क्योंकि गोत्र बदल गया, पर बेटी जब तक कुंवारी है बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तो बाप के काल को हरण कर लेती है। ये उसी तरह जैसे एक गाय ब्याह गई हो और एक गाय कुंवारी हो। महाराज, ब्याई हुई गाय का गोबर से लीपने से ज्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना, वो ज्यादा फलदायी है बछिया के गोबर से लीपना कुंवारी गाय के गोबर से जो ब्याई ना हो। कितना कितना शास्त्र प्रमाण देता है महाराज। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि भगवान गुरु जी आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो और हम तो इतने साल से करते हुए आ रहे हैं और अलग अलग करेंगे और ऐसा और वैसा। कई लोग तो चैनल ही बंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान विष्णु के मंदिर गए हो, सत्यनारायण भगवान के मंदिर गए हो, राम मंदिर गए हो, कृष्ण मंदिर गए हो, दत्त मंदिर गए हो, किसी भी देवता के मंदिर में जाते हो, वहां का प्रसाद आप 15 दिन 20 दिन तक रख सकते हो, पर शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखाता। क्यों? क्योंकि शंकर का प्रसाद एक दोपहर संध्या तक आपका है, रात्रि को 9:15 तक शंकर का प्रसाद आपका है। साहब, शंकर भगवान ने जब बारों की रचना करी थी, घड़ी की रचना भगवान शंकर ने करी, तिथि और समय की रचना भगवान शंकर ने करी, एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक तिथि, एक एक नक्षत्र, समय, पल, सबकी रचना शंकर करें, सबकी रचना। इसीलिए तो शास्त्र कहता है ना, लिंग पुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति को कोई भारी रोग हो जाता है, कोई कैंसर जैसी बीमारी हो गई, कोई किडनी ही खराब हो गई, कोई लीवर ही बेकार हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे कि पंडित जी हमको शंकर भगवान का अभिषेक करवाना है, कौन सा टाइम करवाना चाहिए, तो उसका भी समय शिव महापुराण निश्चित करती है, उसका भी समय हमारे लिंग पुराण निश्चित करती है, उसका भी समय नर्मदा पुराण निश्चित करती है। तो कुमार खंड के अंदर शिव महापुराण के वर्णन करा गया कि 9:15 रात्रि को कोई बीमार व्यक्ति का यदि उसके हाथ से अभिषेक प्रारंभ कराया जाए या उसके ही कुल का, उसके ही गोत्र का व्यक्ति शंकर का अभिषेक करता है और शंकर के नाम का स्मरण करता है तो वो अभिषेक तो करे, साथ में जो मनोरथी है, यजमान है, वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। तो कहते हैं रोग समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो जाता है, रोग समाप्ति की ओर आना, रोग समाप्ति की ओर पहुंचना। भगवान शंकर
ये पावन कथा कहती है, एक कलश के अंदर महाराज दूध ले लीजिए, उसमें काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा आंवला, सूखा आंवला बाजार में मिलता है, उसको डाल दीजिए। बाजार में अगर गीला बीला मिल जाए, बीला का फल, बेलपत्री में जो फल लगते हैं, बीला, बीला का गुर्दा, बीले के अंदर का भाग, अगर बीला नहीं मिले तो बाजार में सूखा बीला मिलता है, उसको पानी में गला लो, गला कर उसको पीस लो, पीस कर उसका उपटन बना लो, पीस के उसको एक कटोरी में ले लो, उस उपटन को, जल के पात्र को, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता हो या जिसको बुखार ज्यादा चढ़ रहा हो, उतर नहीं रहा हो, निमोनिया जैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आपको घेरी हुई है, तो आप अपने हृदय चित्त से स्पर्श कराकर, कोई पलंग पर पड़ा हो तो उसका हाथ का स्पर्श करा, जो स्वस्थ है उसके ऊपर से उतार कर भगवान शंकर को ले जाकर वो बीले का उपटन शिवलिंग पर लगा दे, और जो जल है वो शंकर जी को समर्पित करे। कौन सा मंत्र बोलना है, उस मंत्र का स्मरण आप सब प्रेम से करें। ओम, जितने टीवी के सामने बैठे सब बोलिए ओम। जूम, जामे ऊ की मात्रा अम की बिंदी, जूम। सहा, सा दोहा की बिंदी, सहा। ओम जूम सहा, ओम जूम सहा। इस मंत्र का जाप करते हुए जो दूध चढ़ा देता है उपटन लगाकर, उसकी बीमारी, उसका रोग समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान देना, उसी चढ़ाए हुए जल को, दूध को, उस उपटन के भाग को थोड़ा सा ले आइए। जिस बच्चे को निमोनिया की बीमारी है, जिसका बुखार नहीं उतर रहा हो, उसके मस्तक पर लेपन कर दीजिए, हृदय चित्त पर लगा दीजिए महाराज। उसके बाद में उस बच्चे को वस्त्र से, गीले वस्त्र से पोंछ दीजिए, उस वस्त्र को झटकार दीजिए, बच्चे का बुखार 10 मिनट के अंदर उतर जाएगा। ये कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। जब बुखार आए, जब स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हो जाए, तब करिए। मंत्र का जाप करते हुए ओम हूम ओम जूम सह, इस मंत्र का बस स्मरण करना है, ओम जूम सह मंत्र का स्मरण करिए और शिव की आराधना करिए। ये वो औषधि है जो सती माता ने भगवान शंकर से विवाह के प्रथम में प्राप्त करी है। यदि कहीं से 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए, और 5 मुखी रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भरकर उसमें डाल दो, किसी चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल लो आधे घंटे डालने के बाद, महाराज शमी का एक पत्ता, शमी पत्र, और शमी का एक पत्ता ले जाकर, शमी पत्र को ले जाकर शिवलिंग पर रखकर, 5 मुखी रुद्राक्ष का जल अपनी कामना कर, अपनी मन की कामना कर, सोमवार के दिन जो व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ 3 महीने में पूरी कर देते हैं। शमी पत्र समर्पित कर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल, मनोकामना। और एक बहुत सुंदर बात वर्णन करूंगा, रुद्राक्ष को सिद्ध करने का तरीका है, शंकर के शिवलिंग पर रखकर उसका अभिषेक करना और फिर उसको धारण करना। कई लोग पूछते हैं रुद्राक्ष पहनने का तरीका क्या है, शिव को समर्पित कर मंत्र का जाप, आपको मंत्र बताएं, उसका स्मरण कर फिर अभिषेक पूजन कर फिर धारण। एक छेदित रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद होता है या छेद करा जाता है, एक बिना छेद का रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद नहीं होता। जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो कार्य में सिद्धि अधिक देता है, सिद्धता प्रदान करता है, वो खंडित नहीं कहलाता। बड़ा रुद्राक्ष उसमें छेद करा जाता है तो वो खंडिता का भाव आ जाता है, पर जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो पावर ज्यादा देता है, प्रबलता ज्यादा देता है, सुख ज्यादा देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय